हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आउट हो गई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो उम्मीद है आप सभी उसको भरेंगे, ज़रूर भरिएगा। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भरना है कि नहीं भरना है बिहार वालों को, चाहे अदर स्टेट वालों को। तो भरना है, आप जनरल में काउंट होइएगा वहाँ पर अगर आप बिहार के हों तो ज़रूर उसको भरिएगा। और सिलेबस की संपूर्ण जो जानकारी थी वो नहीं मिला है आप लोग को, क्योंकि इसके पहले तो हम उधर बिजी थे ड्यूटी में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण सिलेबस की, सिलेबस उसका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 891 है। 891 पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी उसका सिलेबस आपको दो पार्ट में है, पार्ट ए है पार्ट बी है, दो पार्ट में है। पार्ट ए में आपका 50 नंबर का होगा, 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का होगा, और पार्ट बी में आपका 200 अंक का होगा, 200 प्रश्न रहेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पार्ट ए है आपका, ये जो पार्ट ए है इसमें आपको 50 अंक CCC का जो पाठ्यक्रम है कंप्यूटर का, उससे उसके सिलेबस के अनुकूल आपको 50 अंक रहेंगे। ठीक, ये जो 50 अंक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। 50 में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मिनिमम है आपको 20 अंक लाना ज़रूरी है, 20 अंक। जब आपका 20 अंक आ जाएगा तभी आप अगले स्टेप के लिए, जो पार्ट बी का है, पार्ट बी का पेपर है, उसमें आप काउंट होइएगा, न तो आप बाहर हो जाइएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 50 अंक, 50 अंक में आपको 20 अंक लाना अनिवार्य है सभी कैटेगरी के लिए। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग पार्ट बी का। तो पार्ट बी में आपका है कितना, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में देखिए इसका क्या क्या जो सेक्शन है, चार सेक्शन है आपका पेपर का, जिसमें सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है और तकनीकी है। ठीक, तो जो सामान्य अध्ययन और उसमें रीजनिंग भी रहेंगे, शायद सामान्य अध्ययन के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। टोटल आपका 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंक का रहेगा। हिंदी आपका 15 प्रश्न है, 15 अंक का है, और अंग्रेजी आपका 15 प्रश्न है और 15 अंक का है। ठीक, लेकिन तकनीकी जो टेक्निकल ज्ञान है आपका वो 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक का रहेगा, मतलब 150 प्रश्न और 150 अंक। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट बी में महत्वपूर्ण है वो तकनीकी है, यही आपका मेरिट बनाएगा। ठीक, और 150 प्रश्न है, और इसमें भी आपको क्या है, पासिंग मार्क 67 अंक है। इसमें आपको 67 अंक लाना अनिवार्य होगा, और जब आपका 67 अंक आएगा तब आपका कट ऑफ तैयार होगा। अगर 67 नहीं है तो समझिए कि आप फेल हैं। ठीक, अब इसमें जो दोनों में जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 है, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो वही नॉर्मल जो सब में चलता है वही 0.25 आपका कट जाएगा। ठीक, अब इसमें जो मेन है आपका टेक्निकल ज्ञान है 150 अंक का, तो टेक्निकल की आपको तैयारी पूरा जोर शोर से करना होगा अगर इसमें चयन लेना है। और रही बात जो ई जो आपका पोस्ट है 891, ये 891 से बढ़ कर करीब 2000 के आसपास जरूर हो जाएगा। इसका फाइनल सिलेक्शन होते होते 2000 के आसपास इसका जरूर हो जाएगा पेपर। तो जो पार्ट ए है आपका 50, ये केवल क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में इसका नंबर नहीं जुटेगा। और जो 200 है, 200 पे आपका मेरिट बनेगा, समझिए आपका टेक्निकल पे मेरिट बनेगा। टेक्निकल आपका अगर 150 जो अंक का है इसी पे आपका मेरिट बनेगा। ये सब तो सब कोई कर लेंगे, 20 15 15 का जो हिंदी रीजनिंग इंग्लिश है ये सब तो लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन जो 150 प्रश्न है उसको अच्छा से तैयारी करना होगा। ठीक, तो अब जब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसका कट ऑफ का, प्रीवियस कट ऑफ इसका क्या था, कितनी उसमें वैकेंसी थी और कट ऑफ इसका क्या गया था, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए